ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने हराकर वर्ल्ड कप फाइनल का बदला ले लिया है। गेंदबाजी की फील्डिंग की काबिले तारीफ है। अक्षर पटेल ने कैच ऑफ द टूर्नामेंट लिया है और 92 रन मारे हैं 41 बॉल पे हमारे कप्तान साहब ने। 7-8 तो छक्के इन्होंने जो लगाए हैं ना, नानी याद दिला के रख दिया। मैं चल आज विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, आज नहीं पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला है, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। बावजूद इसके हमारी टीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और भाइयों, कैसे हो। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर वर्ल्ड कप 2023 का बदला ले लिया है। जी हाँ, इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ये रन चेज ना कर सकी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। तो इंडिया जो है ना क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए कर गया है। इसके मुतालिक भारतीय मीडिया का रद्दअमल सामने आ गया है। आइए हम भारतीय मीडिया का रद्दअमल भी देखते हैं। पाकिस्तान ने बहुत ही गंदा खेला, लेकिन पाकिस्तान की अपोजिट टीम इंडिया ने अच्छी कारकर्दगी की और वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्या भारत की टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा कर वर्ल्ड कप फाइनल पहुंच। नमस्ते, मेरा नाम है अभिलाष, आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने हरा कर वर्ल्ड कप फाइनल का बदला ले लिया है। 19 नवंबर 2023 ये दिन इंडियन फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन आज के दिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, फील्डिंग की काबिले तारीफ है। अक्षर पटेल ने कैच ऑफ द टूर्नामेंट लिया है और जिस तरीके से आज रोहित शर्मा ने शुरुआत दिलाई टीम इंडिया को, 92 रन मारे हैं 41 बॉल पे हमारे कप्तान साहब ने। 7-8 तो छक्के इन्होंने जो लगाए हैं ना, नानी याद दिला के रख दिया मिचेल स्टार्क को। आज उन्होंने एक ही ओवर में 4 छक्के मारे, 29 रन मारे थे टोटल। बाद में स्टार्क ने रोहित शर्मा को बोल्ड जरूर किया, लेकिन तब तक में टीम इंडिया ने बहुत सारे रन बना लिए थे, आज विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, आज नहीं पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला है, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। बावजूद इसके हमारी टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं वो छोटा छोटा लेकिन इंपैक्टफुल योगदान कंट्रीब्यूशन जो है वो देते रहे और उसकी वजह से 200 हम लोग क्रॉस किए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब चेज करने के लिए उतरी, शुरुआत इनकी भी बड़ी जबरदस्त रही, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को जब कुलदीप यादव ने गुगली पर आउट किया तो मैच का पासा वहीं से पलट गया, क्योंकि कुछ देर और ग्लेन मैक्सवेल 2 से 3 ओवर ठहर जाते तो टीम इंडिया से मैच वो ले ही लेते, निकाल के रख लेते। लेकिन उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आए, फिर वही स्विप शॉट खेलने गए, कैच थमा बैठे। और उसके बाद टीम डेविड, तो मैं तो सबसे ज्यादा फ्रॉड मानता हूं, मैं T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा फ्रॉड खिलाड़ी है। और ये अच्छी बात है कि आज टीम डेविड खेल रहे थे, कैमरन ग्रीन अगर खेलते तो शायद मैच में जान बची हुई रहती। और उसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, ट्रेविस हेड एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन गए थे, लेकिन अकेला ट्रेविस हेड क्या ही करते, 43 बॉल पे 76 रन बनाकर वो आउट हुए, क्योंकि दूसरे एंड से कोई मदद नहीं मिल रही थी। ज्यादातर डॉट बॉल्स खेल रहे थे, प्रेशर क्रिएट हो रहा था। ट्रेविस विराट कोहली ना हो ये बिल्कुल सही बैठता है। वैसे गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं कि आज इस रन फेस्ट में जो शेजरूड है ऑस्ट्रेलिया का, 4 ओवर में 14 रन दे के बंदे ने एक विकेट हासिल किया, वो विराट कोहली का। क्या गजब का स्पेल रहा इस बंदे का, क्या गजब का स्पेल रहा। 4 ओवर 14 रन या 11 रन, 14 रन। उसके बाद बुमराह तो हमारे लेजेंड है ही भाई, बुमराह मॉडर्न डे लेजेंड बन चुका है। भले ही आईसीसी ट्रॉफी हमने बुमराह के इसमें नहीं जीता है, एज ए प्लेयर के तौर पर उन्होंने नहीं जीता है, लेकिन जो गेंदबाजी, जो क्रंच सिचुएशन होता है, आपको विकेट चाहिए होता है, बुमराह आते हैं और डिलीवर करके दिखाते हैं, और एक बार नहीं कई दफा करके दिखाया। तो टीम इंडिया ने बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। अब क्या है कि हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, हमारा मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया कुदरत के निजाम पे इस समय भी जिंदा है, क्योंकि अगर कल सुबह 6 बजे जो मैच शुरू होने वाला है उसमें अगर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा, अगर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। ये सिचुएशन इस समय बना हुआ है और टीम इंडिया इस समय बहुत आराम से ड्राइविंग सीट में बैठी हुई है। इनको पता चल गया हमारा सामना किससे होने वाला है, इंग्लैंड से होने वाला है। एक और बात, टीम इंडिया टेबल टॉपर है और अगर सेकंड सेमीफाइनल बारिश की वजह से धुलता है तो टीम इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल में और हम लोग फाइनल खेलेंगे एक बार फिर से।